खबरों के साथ। इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर है। योगी आदित्यनाथ कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कौन कौन योगी मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे, इन सब कयासों का दौर बदस्तूर जारी है। सरकार की रूपरेखा को लेकर मुख्यमंत्री योगी इस समय दिल्ली में मौजूद है और पार्टी के आला नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार उन्होंने भेंट की है और इस मुख्यमंत्री योगी इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने जाएंगे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलेंगे, इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है। बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकों में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और नई कैबिनेट पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक आगरा ग्रामीण से नवनिर्वाचित विधायक बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा निषाद पार्टी के संजय निषाद को भी बड़ा तोहफा मिल सकता है। वहीं अपना दल की अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को भी बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। माना जा रहा है कि होली के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है।